गाइस देख सकते हैं, अब हमने इसमें मैक्रोनी डाल दी और अब हमें इसे पानी में अच्छे से पकाना है। देख सकते हैं अभी हमारी मैक्रोनी पकी नहीं है, हमें ऐसे चलाते रहना है जब तक ये पक नहीं जाए। अभी हमारी मैक्रोनी पकी नहीं है। तो आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोनी, तो मैक्रोनी के लिए मैंने ये मटेरियल लिया है। अब तेल गर्म होने दे, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हमने थोड़ा सा प्याज डालना है। हमें इसको तो फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा 2 मिनट तक चलाते रहना है जिससे हमारा प्याज जले ना। उसके बाद हमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालनी है। उसके बाद हमें इसको ऐसे चलाते रहना है। अब हमें इसमें थोड़ी सी कैरेट लेनी है। थोड़ी सी शिमला मिर्च लेनी है। और फिर इसको अच्छे से पकने दें, मिलाते रहें। हमें इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करना है। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच वेजिटेबल पक चुकी है। अब हमें इसमें डालना है मैक्रोनी। वेजिटेबल अच्छे से पक चुकी है, अब हमें 1 प्लेट मैक्रोनी लेनी है और हमें इसे इसमें डाल देनी है। अब हमें लेना है मैक्रोनी मसाला। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। और ऐसे चलाते चलाते इसको पकाना है अच्छे से। अब हमें इसे 1 प्लेट में सर्व कर लेना है। हमारी मैक्रोनी बहुत अच्छे से पक चुकी है, देख सकते हैं।
सकते हैं कि हमारी माइक्रोनी बन चुकी है और हमने इसको बन लोग देख सकते हैं। अब हमें सर्व कर लेना है, इसे हम एक प्लेट में डालते हैं इस तरीके से। माइक्रोनी को सारी लोग देख सकते हैं कि हमारी माइक्रोनी बनके तैयार हो गई। अब हमें इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। देख सकते हैं आज हमने वेजिटेबल माइक्रोनी बनाई है, तो इसमें क्या क्या सामान डाला है, तो आप इसे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो को देखिएगा ज़रूर एक बार। हेलो गाइस, देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल माइक्रोनी बनकर तैयार हो गई है और हमने इसको कैसे बनाया है तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें क्या क्या पड़ा है आप ये भी देख सकते हैं। हेलो गाइस, देख सकते हैं कि आज हमने बनाया है माइक्रोनी, तो आप देख सकते हैं हमने इसमें क्या क्या डाला है। इसमें मैंने कैरेट, कैप्सिकम